हेलो एवरीवन, दिस इज अशोका एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल कॉल फॉर फैक्ट। आज हम एक किसान के पास हैं और ये उन्नत किस्म के किसान हैं। ये जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाए हुए हैं। हमारे भारत में झारखंड में ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन देखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अभी हमारे सरकार के माध्यम से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है अपना रहे हैं। तो हम एक किसान बंधु से बात कराते हैं जो ड्रिप इरिगेशन प्लस मल्चिंग का उपयोग कर रहे हैं। अभी हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे और सबसे पहले हम किसान बंधु से पूछेंगे कि आपको ये ड्रिप इरिगेशन का नॉलेज कहाँ से प्राप्त हुआ? मोबाइल से देखे, उसके बाद इधर ये तो भेंट है, उसके बाद ओके। इनका कहना है कि मोबाइल से नेट से देखे और जो हमारे यहाँ पर डीलर हैं जो प्रोवाइड कराते हैं ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, वहाँ से इनको प्राप्त हुआ और नेट से पता चला। तो किसान बंधु, आपको जो भी इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या फ़ायदा महसूस हो रहा है? ये तो फ़ायदा तो दिखिए रहा है। इसमें क्या फ़ायदा, आपका क्या बचत है? बचत इसमें है, घास फूस का बचत होगा। हाँ, खेती थोड़ा ज्यादा। तो जो मल्चिंग सिस्टम इन्होंने अपने खेत में लगाया, अभी मैं दिखाता हूँ जो मल्चिंग सिस्टम है उससे खरपतवार जो है, वीड्स जो है, यह कंट्रोल होता है। एक भी जरा सा भी आपको वीड्स नहीं मिलेगा। ओनली वो जो भी प्लांट आप आइडेंटिफाइड प्लांट लगाएंगे वो प्लांट ही दिखेगा। और अभी मैं जस्ट आपको अंतर दिखाऊंगा जहाँ पर मल्चिंग किया हुआ है और जहाँ पर मल्चिंग नहीं किया हुआ है। तो ये किसान बंधु अभी जस्ट इस साल से अपनाए हुए हैं मल्चिंग सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। तो ये बता रहे हैं कि फ़ायदा है, कम पानी का खर्च है और कम मेहनत में, कम लागत में जो है अच्छा फसल लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मल्चिंग किसे कहते हैं और ड्रिप इरिगेशन का किसे कहते हैं। तो धन्यवाद आपको मेरे साथ रहने, बातचीत करने के लिए। ये देखिए, ये जो प्लास्टिक आपको दिख रहा है, ये प्लास्टिक जो है वेली टाइप का बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक। उससे पहले मैं आपको ये ड्रिपर दिखा दूँ। ये यहाँ से एक मेन चैनल गुजरा है और यहाँ से ये राइजर है। ये जो आप ये यहाँ से पाइप है यहाँ से यहाँ तक, ये राइजर है और इसके यहाँ से लेटरल कनेक्टेड होता है। तो ये आपको मिट्टी को जो खेत को जोत के इस तरीके का मिट्टी को तैयार करना है, वेली बनाना है। जैसे आप आलू उलू लगाते हैं वैसे वेली बनाना है और वेली के उसमें से ये आपका लेटरल जो काला पाइप है ये गुजरेगा। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं, जैसे ये छोटा छोटा छेद है, ये देखिए, ये एक फीट यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं ये छेद और ये छेद, मोटा मोटी एक हाथ के डिस्टेंस में ये छेद है। तो जहाँ एक फीट की दूरी, तो ये जहाँ जहाँ छेद है वहीं पर आपको इस तरीके का यहाँ पर आपको सीड को देना है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक पट जाता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये मल्चिंग नहीं किया हुआ है और ये जो एरिया देख रहे हैं मल्चिंग किया हुआ है। तो ये देखिए प्लास्टिक से ढका हुआ है और यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये एरिया जो है खरपतवार से मुक्त है, बट इधर अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है खरपतवार है। यानी कि इस वैली में भी आपको खरपतवार दिख रहा है, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए पूरा, चूँकि ये मल्चिंग किया हुआ है तो जहाँ पर हमारा ज़रूरत है, जैसे ये टमाटर का पेड़ और ये टमाटर का पेड़, इतने ये हमारा वांटेड प्लांट ही है। बाकी आप कहीं भी बीच बीच में देखिए तो कोई खरपतवार नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कुछ आ गया है, अगर प्लास्टिक थोड़ा सा बड़ा होता तो ये इलाका भी पूरा ढक जाता चढ़ाने के लिए, तो ज़्यादा थोड़ा खा। अच्छा अच्छा, तो इसी प्रकार इसको मल्चिंग बोलते हैं। और इस तरीके से जो है किसान बंधु, मतलब जो भी ले लीजिए। हाँ हाँ, तो इस तरीके से इनका ये खेती होता है। क्या बोल रहे किसान बंधु, क्या बोल रहे थे अभी आप? अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये देखिए, ये इस तरीके का वायर लगा करके टमाटर के पेड़ को सपोर्ट देने के लिए ये इस तरीके का खूंटा गाड़ करके वायर लगाए हैं और इस ताकि इसको सपोर्ट मिल सके। यहाँ पर देखिए आप प्लास्टिक से बंधे हुए हैं, तो इससे क्या होगा, अगर टमाटर के पेड़ में जब फल आ जाएगा, मोटा बड़ा बड़ा फल होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर फला हुआ है, तो पेड़ जो है नीचे झुकेगा नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाए हुए हैं और इस तरीके से खेती कर रहे हैं। तो ये यहाँ हम आपको बता दिए मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन का एग्जांपल, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो यहाँ पर हम आखिरी में इनको धन्यवाद देना चाहते हैं, हमें मौका दिया और हमारे साथ बातचीत किए, धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लाभ हुआ तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चूँकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो हमको ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारा ज़मीन जो है फ्रेगमेंटेशन के वजह से घटता जा रहा है, इसीलिए हमको जो है
मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ेगा ताकि हम छोटे ज़मीन से ज़्यादा फसल ले सके और प्रोडक्शन कर सके। और जैसे कि हम जानते हैं 2022 तक प्रधानमंत्री हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 2022 तक हम किसानों का फार्मर्स इनकम को डबलिंग करना है। तो इसीलिए हम सभी किसान को कन्विंस करने का या मोटिवेट करने का प्रयास में लगे रहते हैं कि आप लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिंचाई का पानी बचत करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को बचत करने के लिए आप लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाइए, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और फिर मल्चिंग वगैरह का। आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस भाई का ये दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर गोभी लगाए हुए हैं, इधर में कितना शानदार चना का खेत है और इधर प्याज का खेत है। तो ये सब में भी इस तरीके का खेत में प्याज के लिए अगर स्प्रिंकलर भी यूज़ किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इधर में उन्नत किस्म का गोभी। धन्यवाद दोस्तों, मैं इस किसान से काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हुआ और जान करके हैरानी होगा कि रांची राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची से 130 किलोमीटर दूर सुदूर ग्रामीण इलाका में इनका घर पड़ता है। आप देख सकते हैं ये इनका गांव है और इस गांव में आपको जान करके हैरानी होगा कि ये जो किसान भाई साहब हैं ये ऑनलाइन सर्च करते हैं, यूट्यूब से देखते हैं, खेती पद्धति को सीखते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाते हैं। आपको जस्ट कुछ देर में जो वीडियो बनाया उसमें मैंने दिखाया कि कैसे ड्रिप इरिगेशन को और स्प्रिंकलर को, मल्चिंग को ये अपनाए हैं और इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये खेती कर रहे हैं। अभी मैं इनसे जानना चाहता हूँ, आपको इनके मुँह से मैं सुनवाना चाहता हूँ कि कैसे ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को सीखते हैं या देखते हैं। इनसे पता चला कि ये फ्लिपकार्ट से सीड खरीदते हैं और बाहर बाहर से सीड को क्वालिटी, हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड को जो है मंगवाते हैं और खेती करते हैं। थोड़ा इनके मुँह से मैं सुनना चाहता हूँ कि आप कैसे मतलब ये जो खेती आप कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको आप कैसे सीखते हैं। मोबाइल से सीखते हैं, देखते हैं, उसके बाद ऑनलाइन मंगाते। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आप कितना पढ़े लिखे हैं। 8 क्लास तक पढ़े हैं झारखंड में, 8 क्लास तक पढ़े हैं और ये मोबाइल चलाना जानते हैं, नेट चलाना जानते हैं और यूट्यूब देखना जानते हैं। आप जो भी चीज़ें सीखते हैं वो ऑनलाइन सीखते हैं ना, नेट से। और यहाँ आप कैसे कोई उन्नत किस्म का सीड कैसे मंगाते हैं? डायरेक्ट ऑनलाइन से, नेट से देख के, पहले YouTube से देखते हैं, फिर उसके बाद उसी सीड को, उसी क्वालिटी को, उसी ब्रांड के सीड को जो है ऑनलाइन शॉपिंग साइट में ये सर्च करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट में ना। हाँ, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है। फ्लिपकार्ट और अमेजन, देखिए शहरों में अभी बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा पर यहाँ पर 130 किलोमीटर दूर राजधानी से सुदूर ग्रामीण इलाका में ये अमेजन और फ्लिपकार्ट को जानते हैं और वहाँ से ये सीड मंगा करके अपना खेती करते हैं। तो हाल फिलहाल अभी इनके खेत में आपको दिखाया, टमाटर लगा हुआ था, गोभी लगा हुआ था, प्याज लगा हुआ था, चना लगा हुआ था और बाकी बहुत सारे फील्ड को ये तैयार कर रहे हैं। तो आप और क्या क्या अभी इस सीज़न में मतलब अभी सोच रहे हैं लगाने के लिए? बोदी भिंडी झींगी तरबूज ये लगाने के लिए सोच रहे हैं और टमाटर लगाएंगे ना, और अभर ज़्यादा लगाएंगे इधर खेत में। अच्छा अच्छा, अभी और ज़्यादा लगाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे ग्रामीण इलाकों में भी लोग जो हैं अवेयर हो रहे हैं और आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए अग्रसर हैं। धन्यवाद।